नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक पुरानी बैटरी का एम्पियर और वोल्टेज को हम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो में और हमारी वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, जिससे हमारी वीडियो वायरल हो सके। तो ये दोस्तों हमारे पास एक पुरानी बैटरी है, तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर की मदद से इसके वोल्टेज को चेक करेंगे। चेक करने के लिए दोस्तों आप पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दें। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये नियरली 4 वोल्ट तक इसका वोल्टेज है। दोस्तों ये बैटरी 12 वोल्ट की रहती है, तो जो 4 वोल्ट आ रहा है ये काफ़ी कम है। तो आइए दोस्तों इस बैटरी को रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी तो होगी, तो आपको क्या करना है, इस इन्वर्टर की बैटरी से जो इसके अंदर वाटर रहता है उसको इंजेक्शन की मदद से पहले बाहर निकाल लेना है। दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि इस इन्वर्टर की बैटरी के अंदर एसिड रहती है, तो ये आपके हाथ पर ना लग जाए। अब आगे दोस्तों हम इस बैटरी के अंदर इस एसिड को फिल करेंगे। दोस्तों हमने इसमें मल्टीमीटर को भी कनेक्ट कर दिया है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कैसे जैसे ही हम इस लिक्विड को बैटरी के अंदर फिल करेंगे तो जो वोल्टेज रहेंगे वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों आपको एक एक इंजेक्शन हर कैप के अंदर फिल कर देना है। तो दोस्तों आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं कि जो वोल्टेज हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों यदि आप इस लिक्विड को फिल करके आधा घंटा तक छोड़ दें तो जो बैटरी है वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी, हमें इसको चार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी हम दोस्तों बैटरी को चार्ज कर दिखाएँगे आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों हमने बैटरी को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है और ये आधा या एक घंटे के अंदर ही बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। तो ये रही दोस्तों हमारी बैटरी, अब हम इसको मल्टीमीटर की मदद से फिर से चेक करते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये 11.93 वोल्ट शो कर रही है। अब इसके बाद मैं आपको बल्ब जला कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बल्ब भी काफ़ी ब्राइटनेस के साथ जल रहा है। अब मैं दोस्तों आपको इसके एम्पियर को शो करने के लिए एक वायर लूँगा और इसको जैसे ही मैं टच करता हूँ तो दोस्तों आप इसकी स्पार्किंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छे एम्पियर हो चुके हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे नई वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। दोस्तों सब्सक्राइब करें रोबोटिक्स चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिल